में बात करी थी ना एक बार मुझसे, नाम यार किसका फोन है? पक्का पक्का पप्पी का ना हो बस। हाँ अब देखो यार, मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में समझ में आएगा। ये हमारी एक कॉलोनी है, ठीक है, क्या है ये कॉलोनी है, ये गार्ड रूम है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा गार्ड नॉर्मली जो नॉर्मल काम करता है वो कर रहा है, सो रहा है, ठीक है, स्लीपिंग मोड में है, रात की ड्यूटी है, सो रहा है, ठीक है। ये हमारी कॉलोनी है, यहाँ के बंदे भी सारे सो रहे हैं, ठीक है जी, सब सो रहे हैं, मिडनाइट का टाइम है, 2:30 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं। कुछ चोर आते हैं, ठीक है, ठीक है, पहला चोर, ठीक है, इसके पीछे दूसरा चोर है, तीसरा चोर। ये चोर क्या करते हैं कॉलोनी में एंटर करते हैं, क्या करते हैं कॉलोनी में एंटर करते हैं, कॉलोनी में एंटर करने के बाद गार्ड अभी स्लीपिंग मोड में सो ही रहा है, एंटर करने के बाद अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद चोरी वोरी करते हैं अपना आराम से, ठीक है, बोरा भर के माल उठाते हैं अपना, आराम से बोरा उठाते हैं, ठीक है, तीनों चोर फटाफट दीवार टाप के निकलने लग जाते हैं। इतने में एक चचा, बूढ़े चचा, ठीक है, उन्हें नींद नहीं आती रात में, बूढ़े चचा है, वो जाग जाते हैं और वो इन्हें देख लेते हैं। चचा अलार्म बजाते हैं, गार्ड जागता है, गार्ड के बस का खुद कुछ नहीं होता, ये पुलिस को कॉल करता है। अब एज यूजुअल पुलिस वाले तब आते हैं जब चोरी होने के बाद चोर घर में अपने घर जाके दावत कर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उड़ा रहे होते हैं, तब आती है हमारी पुलिस, कहती है क्या हो गया, गार्ड के 3-4 थप्पड़ मारती है, ठीक है, कॉलोनी वाले से ही पैसे ले लेती है, ठीक है, और अपना मस्ती में फिर वापस चली जाती है, ठीक है जी। इस टाइम पर क्या हुआ, रिस्पॉन्स तो आया, पुलिस भी आई, गार्ड भी जागा, शोर शराबा भी हुआ मोहल्ले में, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत लेट हुआ, चोरी हो चुकी, ठीक है जी। इस तरीके के रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। चोर जो थे वो क्या थे, बैक्टीरिया, क्या थे, बैक्टीरिया, जो हमारा ये था, क्या नाम है, गार्ड, ये था हमारा टी लिम्फोसाइट, क्या था, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये हमारे एफेक्टर सेल थे जिन पे एफेक्ट हुआ, मतलब जिन सेल्स पे बैक्टीरिया ने आकर अटैक करा, जिन सेल्स ने इंफॉर्मेशन दी कि भैया चोरी हो रही है, हमें खतरा है ना, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी गार्ड को, गार्ड अवेक हुआ, गार्ड ने कॉल करी पुलिस को, पुलिस क्या है, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, पुलिस ने गन लोड करी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि चोर जा चुके थे। समझ में आ गया। अब कॉलोनी के आसपास पेट्रोलिंग पुलिस की इंक्रीज हो गई, ठीक है, रात में पेट्रोलिंग इंक्रीज हो गई क्योंकि चोरी हो चुकी थी। समझ में आ गया। तो ये था प्राइमरी रिस्पॉन्स। चोर फिर से आते हैं, ठीक है, 20-25 दिन बाद, सोचते हैं इतना माल लूट के गए हैं और कोई जागा तक नहीं, आ जाओ जल्दी आओ फटाफट अंदर। वो दोनों आज फिर नहीं आई आमना और वो, आज आ जाएंगे, चलो। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट टाइम पेट्रोलिंग पुलिस की इंक्रीज हो गई, नेक्स्ट टाइम पेट्रोलिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। अब चोर आता है, अब चोर आता है, अब सिनेरियो डिफरेंट है, अब सिनेरियो डिफरेंट है,
कॉलोनी वही, गार्ड वही, लेकिन गार्ड पहले से ही क्या है, अवेक्ड है, जागा हुआ है, ठीक है। कॉलोनी वालों ने भी अलार्म सिस्टम लगा लिया है, ठीक है, अलार्म सिस्टम लगा लिया है, बूढ़े चाचा और अवेक हो गए, ऐसे कैसे चोरी हो रही है, ठीक है जी, चाचा और ज्यादा अवेक्ड है, पुलिस कॉलोनी के आसपास ही घूम रही है, चोरों का जिगरा बढ़ चुका है कि भैया एक बार तो चोरी कर ही लिया, दूसरी बार भी आते हैं। तीनों चोरों की गैंग, लक्षित, ये रहा लक्षित, ठीक है, ये लंबू हमारा, तुषार, बीच में कौन है ये, अभिजीत, ठीक है, तीनों फिर से बढ़ चले किसकी तरफ, कॉलोनी की तरफ, है ना। जैसे ही अंदर इंटर करे, गार्ड ने देख लिया, अलार्म सिस्टम चालू हो गया, चाचा चिल्ला पड़े, ठीक है, पुलिस ने आकर चारों तरफ से घेर लिया इन्हें, ठीक है। छोटू ने भागने की कोशिश करी, छोटू निकलने की कोशिश कर रहा था यहां से, पुलिस ने बोला रुक जाओ कानून के खातिर वरना गोली पड़ेगी, गोली मारी, छोटू ढेर, ठीक है, लक्षित हैंड्स अप कर घुटनों पे बैठ गया, ठीक है, ये भी लेटा पड़ा हुआ है, तीन चार घूसे खा के चचा के, ठीक है। हाँ, भीड़ में यही होता है, भीड़ में वो बंदा भी मारता है जिसने कभी किसी पे हाथ भी नहीं उठाया होता, ठीक है, तुषार को मार मार के लिटा दिया है, चोरी भी नहीं हुई, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉलोनी के बंदे अभी सो ही रहे, पुलिस आई, एक बंदे को मार भी दिया, ठीक है जी, एक बंदे को मार भी दिया, और कई सारी जो नीचे वाली भीड़ थी, कुछ लोगों की भीड़ थी, उसने क्या करा, पीटा पाटा तुषार को, ठीक है जी, लक्षित हैंड्स अप करके खड़ा हुआ है, और चोरी भी बच गई, लोगों को पता भी नहीं लगा, समझ रहे हो मेरी बात, ये हो गया बैक्टीरिया जिसका बड़ा बुरा हाल करा इस बार बॉडी ने, ठीक है। टी लिम्फोसाइट के पास क्या थी, टी मेमोरी, क्या थी, मेमोरी, पुरानी चोरी की मेमोरी थी, गार्ड को बहुत लताड़ा गया था उस टाइम पर, तो गार्ड ने इस बार बहुत ज्यादा अवेकनेस दिखाई और फटाफट क्या करा, पुलिस को कॉल करी, पुलिस भी पास में ही घूम रही थी, फटाफट आई, पुलिस क्या थी तुम्हारी, बी लिम्फोसाइट, इसके पास भी क्या था, बी मेमोरी, समझ में आ गया, और एंटीबॉडीज, गन वगैरह पहले से ही लोड करके रखी थी कि अब की बार कुछ भी हुआ तो कर देंगे, तो एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई थी, गन यानी इसके अंदर से जो गोली निकल रही है वो क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है, जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी में आया एंटीबॉडीज को निकाल दिया, और एंटीबॉडीज ने क्या करा, बैक्टीरिया को मार दिया, समझ में आ गया। इस टाइम जो रिस्पॉन्स हुआ बहुत ज्यादा फास्ट था, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब सेम बॉडी पे सेम पैथोजन का अटैक दोबारा होता है, सेकेंड टाइम होता है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसे हम एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है, और ये क्या होता है, हाईली इंटेंसिफाई होता है, क्या होता है, हाईली इंटेंसिफाइड, समझ में आ गया, उतार लो, मतलब हाँ कहानी उतारो, कैसे याद रखोगे, फिर उसके बाद मैं इसे लिखवाऊंगा, इन दी फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म भी लिखवाऊंगा, बट अगर तुम्हें ये लिखना है तो लिख लो, उतारना है उतार लो, ठीक है। फोन नहीं है उनके पास कोई, देखो मैंने क्या बताया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बता रहा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये हर पर्सन हर बैक्टीरिया के लिए अलग तरीके से डेवलप करता है, ठीक है, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, द प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, द टू मेन सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर द टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट, जब पहली बार बॉडी पे कोई भी पैथोजन आकर अटैक करता है तो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है, लेकिन इतने टाइम तक पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैल चुका होता है, तो पहली बार हमें सिम्टम्स आते हैं, लेकिन सेम बैक्टीरिया का इंफेक्शन अगर हमें दोबारा होता है, ठीक है, अगर हमें दोबारा होता है तो हमारे पास पहले की एंटीबॉडीज पड़ी होती हैं, और वो एंटीबॉडीज फटाफट उन्हें मार देती हैं, समझ रहे हो, जो बैक्टीरिया है उन्हें मार देती हैं, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, बोलो, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स, इट इज हाईली इंटेंसिफाइड, क्या होता है ये, हाईली इंटेंसिफाइड होता है, समझ में आ गया, अभी मैकेनिज्म मैं दोबारा बताऊंगा।
नहीं उतारना, नहीं उतारो, उतारना उतार लो, तुम्हारी अपनी मेमोरी के लिए है। एफेक्टर सेल्स हैं बॉडी के, हाँ मैकेनिज्म बना हुआ मैंने से बना हुआ इन दी फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। अभी तक नहीं आए वो, हाँ ये अलग अलग तरीके के होते हैं। टी लिम्फोसाइट तीन तरीके के होते हैं, टी हेल्पर, टी किलर, टी किलर, ठीक है। इसे हम साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं, टी साइटोटॉक्सिक और टी मेमोरी। ऐसी बी लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, बी एफेक्टर एंड बी मेमोरी। जो बी एफेक्टर सेल्स होते हैं वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, जो कि अफेक्टिव सेल्स होते हैं, अफेक्टर सेल्स होते हैं। अभी बताऊंगा ये बी लिम्फोसाइट की वजह से कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारे अंदर, कोई थोड़ा सा पढ़ के आया होगा तो बता देगा। अब एक्वायर्ड के तो पार्ट ही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्दर दो पार्ट आते हैं, कौन से, CMI सुने किसी ने, वेरी गुड, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वेरी गुड, ठीक है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ बी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड टी की वजह से और ह्यूमोरल बी की वजह से। ह्यूमोरल ब्लड से होने वाली इम्यूनिटी, ब्लड से डेवलप होने वाली। मिटा उतार लिया ऑनलाइन वाले बच्चे, साइटोटॉक्सिक, हेलो हेलो, अरे ऑनलाइन वालों सुनाई दे रहा है तुम्हें, नहीं दे रहा वीडियो, अच्छी लग रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही, चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है, ओके ओके। अरे आमना कहाँ रह गई, बंद कर दो, ये नहीं आने वाली मुझे लगता है, आज बंद क्यों नहीं रहा। हाँ बोलो, क्या बताऊं, तेरी आवाज नहीं आ रही है, अरे यार नेट खराब हो जाता है ना इसके, बंद होता ही भूल गया था। हाँ मिल गई, मुझ पे ही थी, नहीं कोई बच्चा घर देके चला गया। विमल सर ने खोला है कितने बजे, तुम 6:30 बजे ही आ गए थे क्या, फिर ओके, ओ कौन सी कार है सर पे, BMW, अच्छा जी, ऐसी कौन सी गाड़ी लिया है, अब देखो यार मैकेनिज्म लिखो इसका फटाफट, मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अजय तुझे भी इनकी गैंग में शामिल होना है, तो खड़ू से अच्छा बनेगा, ठीक है तुषार देख ले, इनडायरेक्टली तुझे मारने की बात कर रहे हैं, समझ रहा है ना, खुन्नस निकालेगा तुझसे। हाँ जी आइए जी, सबसे पहले इंफेक्शन, इंफेक्शन से क्या होगा, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएंगे, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करेंगे किसको, बी लिम्फोसाइट को, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होंगे तो अपने साथ क्या बना लेंगे, टी मेमोरी सेल्स, ठीक है, क्या बना लेंगे, टी मेमोरी सेल्स, जो कि काम आएंगे कब, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, समझ में आ गया। बी लिम्फोसाइट ये भी साथ के साथ क्या बना लेंगे, बी मेमोरी सेल्स, और बी लिम्फोसाइट साथ के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें,
बी एफेक्टर सेल्स में, अफेक्टर सेल्स, ठीक है, इन्हें हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल्स। समझ में आ गया? ठीक है, ये तुम्हें कई बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये बी एफेक्टर सेल्स क्या करते हैं, फटाफट क्या बना लेते हैं, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करती है, जो बैक्टीरिया होता है हमारा इंफेक्शियस एजेंट होता है, वो हमारा एंटीजन की तरह काम करता है। किसकी तरह? एंटीजन की तरह काम करता है। तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्या कर जाएगी, क्लंप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? क्लंप कर जाएगी। और एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन हो जाएगा और दोनों की क्या हो जाएगी, क्लंपिंग। क्लंपिंग यानी क्लंपिंग का मतलब क्या होता है, दो चीजें आपस में जुड़ गई और जुड़ के नीचे सप्रेस डाउन हो गई, दिस इज नोन एज क्लंपिंग। अभी तो बताई नहीं वो, अभी जब एंटीबॉडीज बताऊंगा तब बाइंडिंग साइट के बारे में बताऊंगा, एपिटॉप और पैराटॉप। डब्ल्यूबीसी तो है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं। डब्ल्यूबीसी दो तरीके के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, जिनकी सरफेस पे ऐसे डॉटेड ग्रैन्यूल्स दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट, और जिनकी सरफेस पे ग्रैन्यूल्स नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में आते हैं हमारे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, और ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। बस प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, टी साइटोकाइन, टी मेमोरी और टी साइटोकाइन साइटोटॉक्सिक। बी लिम्फोसाइट बेसिकली, नॉर्मली बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में जाते हैं, तो उन्हें हम बी एफेक्टर सेल्स कहते हैं। अरे पुनीत सर कॉल कर रहे हैं। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं बढ़िया सर, मैं बढ़िया सर, आप बताओ। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। फेगोसाइट तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स है। अरे वो तो अलग है, वो लिम्फोसाइट्स हैं। यार क्या हुआ, आपस में बात कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो आपस में बात, मुझसे बातें करो। हाँ यार, लिम्फोसाइट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जब हमारे किसी टिश्यू के अंदर कोई इंफेक्शियस एजेंट आता है तो डायरेक्टली मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स, मतलब मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स उन्हें खाने की कोशिश करते हैं हमारी बॉडी में। ऐसा तो है नहीं ना, हमारे इंडिया में सिर्फ पुलिस है, पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस के साथ आर्मी है, आर्मी में भी बीएसएफ है, सीएसआईएफ है ना, अलग अलग तरीके के फोर्सेज हैं। क्यों बना रखे हैं? पुलिस ही सारा काम कर लेगी, ऐसा हो सकता है? तो टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम की जब बात करेगा तू, तो उसमें क्या आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, पुलिस के बाद आर्मी आएगी, आर्मी की फर्दर तीन कैटेगरी होंगी, फिर जल थल और वायु। अब जो थल वाली है, मतलब जो हमारी आर्मी होती है, उसमें भी तीन पार्ट है हमारे, ठीक है, सीएसआईएफ है, बीएसएफ है, ठीक है, और ब्लैक कैट्स वाले जो होते हैं अलग होते हैं, जो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, नेताओं वगैरह के लिए आते हैं, जो सर पे कफन बांध के घूमते हैं ना, तो हाँ अलग अलग टाइप के ये सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी एक नाम है बस, जैसे डिफेंस सिस्टम, वैसे डब्ल्यूबीसी एक नाम है। उस डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में तीन आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल। हर चीज अलग अलग टाइम पे काम आती है, समझ रहे? तो जैसे जब नॉर्मल पुलिस कोई दंगा हो गया, पुलिस से तब बात नहीं बनेगी, नॉर्मल छोटी मोटी चोरी हुई, छोटा मोटा मर्डर हो गया कुछ, तो उसमें पुलिस काम आती है। लेकिन बहुत बड़ा दंगा हो गया, कई सारे लोग इकट्ठा आ गए, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई, ऐसे करके कोई चीज हो गई, तो वहां से हम आर्मी को बुलाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बुला लेते हैं, सीएसएफआईएफ वाले आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो? क्योंकि अब जो इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत ज्यादा हैवी तरीके से हुआ है। तो नॉर्मली अगर छोटे मोटे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है कम कंसेंट्रेशन में, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मार मूर के खत्म कर देंगे, बट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हाई उसमें है, काफी सारे बैक्टीरिया वगैरह आ गए, तो उस टाइम पर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल से काम नहीं चलेगा, तब लिम्फोसाइट्स आएंगे, तब हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा। कौन सा? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, अदरवाइज इननेट से काम चल जाता है।
तो नॉन स्पेसिफिक वाले तो सबसे पहले काम करते हैं, जब नॉन स्पेसिफिक से काम नहीं चलता, मतलब सॉरी हाँ, जब नॉन स्पेसिफिक से काम नहीं चल पाता तब स्पेसिफिक वाले आते हैं, टी और बी लिंब। बहुत कम कंसेंट्रेशन में नहीं मीट कर पाए, कम कंसेंट्रेशन इन द सेंस जब एक दो चोर हैं तो उसके लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्यों चालू होगा? ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, जब लिम्फ नोड्स में जा जाके बैक्टीरिया फंसते हैं, ठीक है, बॉडी को अफेक्ट करने लग जाते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं, तब कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिव होता है, अदरवाइज मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ही मार मुर के खत्म कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कौन सा मैकेनिज्म? वही तो बोल रहा हूँ यार कि जब हैवी इन्फेक्शन नहीं होगा तब थोड़े में काम चल जाएगा, और जब बहुत ज्यादा हैवी इन्फेक्शन है तब कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम चालू होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कहलाता है हमारी बॉडी का, कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। समझ में आ गया? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये किस चीज का मैकेनिज्म है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है, हाँ है ना? वेरी गुड। क्लंपिंग, ये मौली जब ऑनलाइन क्लास होती है तब बोलते हैं सर ऑफलाइन रखो, और जब ऑफलाइन क्लास होती है तब ये ऑनलाइन अटेंड कर रही होती है। अलग ही सीन चल रहा है बेटा तेरा, तबीयत खराब है, ये भी ठीक है। क्या हो गया तबीयत को? कोल्ड हो रहा है, ये भी ठीक है। लक्षित को कोल्ड हो जाता वरना पास पास बैठते, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता। व्हाट इज कम्युनिटी? व्हाट इज पॉपुलेशन? अच्छा हाँ, ये तो इकोलॉजी। शहबाज बता कम्युनिटी क्या होती है, कल ही पढ़ा रहा था तुझे, गायब है क्लास से। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, सिमिलर स्पीशीज, ठीक है। शेर की पॉपुलेशन, चिड़ियों की पॉपुलेशन, ह्यूमंस की पॉपुलेशन, हमारा क्या होता है पॉपुलेशन सेंसस, वो होता है ना सेंसस जो होता है, तो हमारी पॉपुलेशन जनगणना, पॉपुलेशन का अंदाजा लगाया जाता है, तो हम पॉपुलेशन वर्ड चूज करते हैं। अगर पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल होता तो कुत्तों को भी काउंट करा जाता, जब सेंसस होते तो डॉग्स को और कैट्स को भी काउंट करा जाता, बट दिस इज नॉट अ पॉपुलेशन, वो हमारी पॉपुलेशन नहीं है, हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है। व्हाट इज कम्युनिटी? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, ह्यूमन, बैट, कैट, रैट, डॉग्स, ये सारे किसमें आते हैं? कम्युनिटी में। बेसिक बेसिक सी चीजें याद रखा करो, ठीक है। कहां तक पहुंचे? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बता रहा था, ठीक है। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़ लिया, नाउ आफ्टर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, एंटीबॉडी। हेडिंग डालिए एंटीबॉडी, उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा दो टाइप की इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, सब एक चीज है, पागल बनाने के अलग अलग तरीके, एनसीईआरटी ने बहुत कॉम्प्लेक्स बता रखा है इसे। मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, उसमें एक्टिव, पैसिव, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन सब खत्म करवा दूंगा, ठीक है, सिर्फ एक फ्लो चार्ट में। अभी पहले क्या करेंगे हम? एंटीबॉडी। तो लिखो, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीनिशियस, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीनिशियस, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीनिशियस सब्सटेंस इन अवर बॉडी, मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बच्चों? ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, GLOBULIN, ग्लोबुलिन, मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन, मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीनिशियस कंपाउंड प्रेजेंट इन अवर बॉडी मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। कैसे प्रोटीन होते हैं ये? कौन सा स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी में प्रोटीन, मतलब कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है? ग्लोबुलिन,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आगे क्वार्टनरी कौन सा क्वार्टनरी इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन चेन दो हैवी चेन दो लाइट चेन ठीक है तो अलग अलग प्रोटीन आ गए ना जब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती है तो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है क्वार्टनरी पिछले से पिछले साल का एएपीएमटी का क्वेश्चन था एंटीबॉडीज हैव विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टनरी मोस्ट ऑफ दी बंदों ने टर्शरी लगा दिया था इट इज नॉट अ टर्शरी स्ट्रक्चर इट इज अ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ठीक है कैसा प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ठीक है लिखो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज टाइप ऑफ एंटीबॉडीज लिखो देर आर फाइव टाइप ऑफ एंटीबॉडीज गैम डी अब गैम डी मत लिख देना ऐसे आई जी जी गैम डी बोला ना मैंने आई जी ए आई जी एम आई जी डी आई जी ई इम्यूनोग्लोबुलिन जी इम्यूनोग्लोबुलिन ए इम्यूनोग्लोबुलिन एम इम्यूनोग्लोबुलिन डी इम्यूनोग्लोबुलिन ई गैम डी जी ए एम ई जी ए एम डी ई गैम डी गैम डी बेटा ये मैंने अरेंज करी है अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट्रेशन आवर बॉडी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी देन आईजीए एंटीबॉडी देन आईजीएम एंटीबॉडी देन आईजीडी एंटीबॉडी एंड फाइनली वी हैव आईजीई एंटीबॉडी समझ में आया नहीं आया गैम डी आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीडी और आईजीई कहां गए यार ये कौन सी दुनिया में खो गए क्रिस्टल नहीं मिला इन्हें घर चले गए होंगे नमस्ते नमस्ते हाँ समझ में आ गया तो गैम डी जी ए एम डी ई गैम डी नहीं आया समझ में अभी तक पक्का आ गया बेटा आईजीजी कुछ एंटीबॉडीज के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आईजीजी आईजीजी मां से मिलती है ऑब्टेन फ्रॉम मदर प्लेसेंटा मां अपने बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू देती है दिस इज दी ओनली एंटीबॉडी इन अवर बॉडी विच क्रॉसेज द मदर प्लेसेंटा एंटीबॉडी क्या करती है एंटीजन को मारती है माँ जो बच्चा है वो माँ की बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल है क्योंकि उसके अंदर तो बाप के भी गुण है अब जरूरी थोड़ी ना कि बाप का ब्लड माँ से मैच कर जाए समझ रहे हो दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट पर्सनैलिटी तो उसके अंदर पापा के भी कुछ चीजें हैं और वो माँ की बॉडी के अंदर है तो इट इज लाइक अ एंटीजन फॉर मदर अगर सारी की सारी एंटीबॉडीज माँ के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक जाने लग जाए तो बच्चे को खा जाएंगी बच्चे को खा जाएंगी क्योंकि बच्चे को फॉरेन सब्सटेंस समझेंगी और उसे खा पी के खत्म कर देंगी बट देयर इज ओनली वन एंटीबॉडी विच क्रॉसेस द मदर प्लेसेंटा दैट इज आईजीजी जो कि जाके बच्चे को हार्म नहीं करती इवन उसकी इम्यूनिटी का पार्ट बन जाती है तो ये एंटीबॉडी सबसे हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में होती है और किससे मिलती है ऑब्टेन्ड फ्रॉम मदर प्लेसेंटा किससे मदर प्लेसेंटा द नेक्स्ट इज आईजीए एंटीबॉडी द नेक्स्ट इज आईजीए एंटीबॉडी वेरी गुड इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मदर ये भी मदर से ऑब्टेन करी जाती है और ये भी मदर से ऑब्टेन करी जाती है फर्क क्या है ये मदर प्लेसेंटा से ऑब्टेन करी जाती है और ये मदर मिल्क फर्स्ट टाइम जो मदर मिल्क निकालती है येलो कलर का होता है इट इज नोन एज कोलेस्ट्रम क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रम द येलो कलर मिल्क इज नोन एज कोलेस्ट्रम गेटिंग और नॉट आइए सत्कार किया जाएगा एक क्रिस्टल नहीं मिला तुम्हें आइए पूरा ऊपर से होके आया अच्छा ऊपर से भी हो आई हाँ। सही है चर्बी घटेगी थोड़ी
आराम से आराम से, यहीं बैठ जा हम ना, सीधा सीधा रास्ता, पीछे बैठ, सीधा सीधा रास्ता है यार क्रिस्टल का, सीधा नहीं है रास्ता, अब पता लगा कैसे आना है या नहीं पता लगा? सीधे बाहर निकलो, रोड पे आओ, जहां पे टारगेट आते थे ना, टारगेट, टारगेट देखा है, उसी लाल बत्ती क्रॉस करो और टारगेट तक पहुंच जाओ, लेकिन मुड़ना नहीं है, फिर सीधा चलो थोड़ा सा, जब गली खत्म हो जाए राइट साइड पे मुड़ जाओ, ठीक है, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पर मुड़ जाओ, ठीक है, सीधे सीधे आते रहो, नाक की सीध में क्रिस्टल यहाँ पे, इधर निकलोगे आके इस गली में, ठीक है, ये रहा क्रिस्टल, ठीक है जी, आईजीएम, आईजीएम दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, कैसी एंटीबॉडी है, लार्जेस्ट, सबसे बड़े साइज की है, दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखो यार, ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हो, दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन अवर बॉडी, नेक्स्ट आईजीडी, स्मॉलेस्ट, आईजीई इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, भावनाओं को समझो, अब सुनो, स्मॉलेस्ट तो है लेकिन इसका काम बहुत निराला है, सबसे पहले इंफेक्शन साइट पर पहुंच जाती है आईजीडी, सबसे पहले इंफेक्शन साइट पर पहुंच जाती है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग एंटीबॉडी होती है, सबसे पहले एंटीजन को जाकर पकड़ लेती है और फिर प्रेजेंट करवाती है किसको, बोलो, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को प्रेजेंट करवाती है दूसरी एंटीबॉडीज को, समझ रहे हो मेरी बात, अरे देखो ये एंटीजन है, इस एंटीजन पे सबसे पहले ये एंटीबॉडी आकर इसे पकड़ लेगी, जब ये पकड़ लेगी तो एंटीजन डिलीशियस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिलीशियस यानी खाने में अच्छा लगेगा, किसको, फेगोसिटिक सेल्स को, ठीक है, तो फेगोसिटिक सेल्स अभी से और एफिशिएंटली खा पाएंगे, समझ रहे हो, लेकिन जब तक आईजीडी नहीं आएगा तब तक एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा, एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो पाएगा यानी एंटीजन दूसरे फेगोसिटिक सेल्स तक जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो, तो इट मेक, एक बुक है फॉरेन ऑथर की है, फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में यूज करते हैं हम लोग, गाइटन, गाइटन और गेनोंग, दो बुक आती हैं, बहुत अलग लेवल की बुक होती है, वो लिखती है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में, मतलब इसमें कि आईजीडी मेक एंटीजन मोर डिलीशियस फॉर द फेगोसिटिक सेल्स, ठीक है, ताकि खाने में उसे मजा आए, ठीक है, समझ में आ गया सारी एंटीबॉडीज, नेक्स्ट हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, देखो यार अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करूं तो क्या होता है, एंटीबॉडीज के अंदर दो प्रोटीन चेन होती हैं, एक प्रोटीन चेन क्या होती है, बड़ी होती है, और एक प्रोटीन चेन क्या होती है, छोटी होती है, जो बड़ी वाली प्रोटीन चेन होती है उसे हम बोलते हैं हैवी चेन, क्या बोलते हैं, हैवी चेन, जो छोटी वाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट चेन, तो ऐसे करके ये आ गई तुम्हारी हैवी चेन और ये वाली हो गई तुम्हारी लाइट चेन, अब हैवी चेन और लाइट चेन दोनों आपस में एसोसिएटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, वेरी गुड,
डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो होती है, ये वाली साइड जो होती है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन कहां पर आकर बाइंड करता है? यहां पर। तो कोई भी एंटीजन होगा वो यहां पर आकर बाइंड करेगा। तो दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या है ये? एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। दो चीजें होती है, एपिटोप एंड पैराटोप। एपिटोप प्रेजेंट ऑन द एंटीजन एंड पैराटोप प्रेजेंट ऑन दी एंटीबॉडी। एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इंटरनेट से चेक करना पड़ेगा, सही है ना? तो एपिटोप प्रेजेंट ऑन दी एंटीजन, एपिटोप प्रेजेंट ऑन दी एंटीजन, एपिटोप, और पैराटोप इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एएमयू था, एएमयू के एग्जाम में जब मैंने दिया था 2014 में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एपिटोप इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन एंड पैराटोप इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी, ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बताऊं, लोरी थोड़ी ना सुना रहा मैं, दो ही चीजें बताइए, एपिटोप और पेरिटोप। देख क्या कर रहा था उससे पहले तूने, अरे दो चेन होती है एंटीबॉडी में, एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है, ठीक है। ये वाली जो जा रही है हैवी चेन होती है, और ये जो छोटी वाली जा रही है इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ी होती है। एंटीजन के ऊपर एक साइट होती है, मतलब एंटीबॉडी के ऊपर एक साइट होती है जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करता है। अभी एंटीजन है, एंटीजन कहीं से भी एंटीबॉडी से बाइंड नहीं कर जाएगा, एंटीजन के पास एक स्पेसिफिक साइट होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिटोप। क्या बोलते हैं? एपिटोप। और एंटीबॉडी के पास स्पेसिफिक साइट होगी जिसका नाम क्या होगा, पैराटोप। समझ में आ गया अब, ठीक है। दो टर्मिनल होते हैं प्रोटीन के, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। एन टर्मिनल का मतलब होता है जहां पर एनएच टू फ्री हो, तो एंटीजन हमेशा एनएच टू पे आगे बढ़ रहे हो, एन टर्मिनल पे। बाबू हैवी मतलब हैवी, बड़ी वाली हैवी चेन, छोटी वाली लाइट चेन। लाइट मतलब हल्की, हैवी यानी बड़ी भारी। तुम्हें भी पढ़ाता हूँ क्लास के बाद जो छूटा है। इनके साथ क्यों नहीं आई तुम? अलग छोड़, एक तो मतलब रास्ता भी नहीं पता, ऊपर से पूछना भी नहीं है, तो आगे आगे वो तेज चल रहे थे। उनका सही था ना मोटिव कि भाई हमें 10 मिनट में पहुंचना है कोचिंग, एंड कितने बजे, 7:10 पे पहुंच गए थे तुम यहाँ पर, 7:10, 7:12 पर, 7:40 पे तो ये लोग आए हैं दोनों। अच्छा कितने पर, कितने बजे छुट्टी होती है वहां से तुम्हारी? 7:15। सर से बात करूंगा थोड़ा सा पहले, कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? 7:30। अच्छा मतलब 5 मिनट पहले छोड़ दें सर। कितना टाइम लगता है वहां से आने में? वहां से पुनीत सर से? हाँ बेटा, हाँ डबल बॉन्ड है, डाइसल्फाइड ब्रिजेज है ना। अरे वो बहुत छोटा सा बना रखा है, डाइसल्फाइड है ना, सल्फाइड। पूरा बॉन्ड बना ही नहीं रखा ना वो, बस दिखा रखा है कि सल्फाइड ब्रिजेज है। बेटा कहां तक पहुंचे? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हो गया,
ठीक है, अब लिखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक साइड सीएमआई और एक साइड ह्यूमोरल एचआई, एक साइड सीएमआई और एक साइड एचआई, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यार मुझे नहीं पता, ये साउंड एब्जॉर्बर है शायद। हाँ वही है शायद यार, हाँ क्या हुआ, फोन आ रहा है, किसका? फ्रेंड का फोन, नहीं उठाना। अच्छा बहन का, फिर उठा ले। कल 11वीं 12वीं के बच्चे छोटे छोटे थे, मैं पढ़ा रहा हूँ, बगल में बैठा हुआ हूँ, शहबाज को पढ़ा रहा था, वो लड़की उसे देख रही है, वो लड़का उसे देख रहा है, वो देखे जा रहे हैं 10 मिनट से, मैं 10 मिनट से शहबाज को पढ़ा रहा हूँ, देखे जा रहे हैं। क्या 11th में नहीं है? हाँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था मैं उन्हें, तो उसके बाद 10 मिनट मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा रहा है, लेकिन उनका कनेक्शन खत्म नहीं हुआ। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा के वो बोला मुझसे, राहुल कहता सर एक बार और पढ़ा दोगे? मैंने कहा उससे पढ़ जिसे देख रहा था। सही चल रहा है यार, 11वीं क्लास से हम 11वीं क्लास में क्रिकेट खेलते थे बस। क्रिस्टल तक आता था, फिर वहां वाली गली से ऐसे घूम के लाल पटरी क्रिकेट। मेरे अब्बू आए एक दिन फीस सबमिट करने के लिए, कह रहे वो जोया मैं इधर से आया। मैंने कहा हाँ अब्बू, हाँ तुम मेरे पास पढ़ते हो? मैंने कह रहे तुम मेरे पास पढ़ते? मैंने हाँ सर, वहाँ वहां बैठता हूँ उधर कोने में। अच्छा अच्छा तुम, हाँ सर फीस देनी थी। सर ने फीस ली, निकलो। तो ऐसा सीन था। और गौरव सर तो मतलब क्या बताऊं, गौरव सर का पहली बार किसी को मारने के लिए सर ने हाथ वाथ उठाया हुआ तो मैं ही था। गौरव सर इतने प्यारे आदमी है, मतलब किसी को कभी डांटा भी नहीं होगा सर ने, सही से डांटा भी होगा तो बंदा डरा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, बहन वेट कर रही है, को 5 मिनट और वेट करे, इंतजार में ही मजा है, और वेट करे थोड़ा सा। सुनो यार, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल, इंतजार में मजा है, सीएमआई और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब बेटा जो सीएमआई होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, किसकी वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। किसकी वजह से होती है? टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? एंटीबॉडीज की वजह से। किसकी वजह से? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट। तो कई बार लिख के आएगा कि इट इज बिकॉज ऑफ बी लिम्फोसाइट, करेक्ट। इट इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज, करेक्ट। दोनों चीज करेक्ट है। समझ में आ गया? हाँ या ना? ओके अब देखो, व्हाइट इज नोन एज सेल मीडिएटेड एंड व्हाइट इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बेटा सेल मीडिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि टी लिम्फोसाइट कहां पर होते हैं? हमारे लिम्फ नोड्स। क्या? लिम्फ नोड्स। टी लिम्फोसाइट हमेशा तुम्हें सेल्स के अंदर मिलेंगे, दे आर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल्स। बट जो तुम्हारी एंटीबॉडीज होती हैं, तो एंटीबॉडीज कहां पर होती हैं? प्रेजेंट इन ब्लड। कहां पर प्रेजेंट होती हैं? ब्लड में। एंड टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन सेल्स। बेटा थाइमस में होता है, तेरी बात ठीक है, बहुत ठीक है। थाइमस इज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बच्चा पैदा होता है और थाइमस के पास चला जाता है शस्त्र सीखने के लिए कि कैसे मैं मारूं पैथोजेंस को। जैसी वो चीज सीख लेता है, वो निकल जाता है कहां पर? सेल्स की तरफ। हाँ, थाइमस मैच्यूरेशन में हेल्प करता है। इट इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन विच हेल्प्स इन द मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बनते बोन मैरो में, चाहे बी हो चाहे टी हो,
दोनों बोन मैरो में बनेंगे। बी लिम्फोसाइट वहीं के वहीं डिफरेंशिएट हो जाएंगे, लेकिन टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होने के लिए फॉरेन जाएंगे। कहां पर? टी लिम्फो थाइमस में। थाइमस में उनका ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पर वो एफेक्टर सेल्स बनेंगे और फिर वहां से बाहर निकलेंगे और कहां चले जाएंगे? लिम्फ नोड्स में। और बी लिम्फोसाइट कहां चले जाएंगे? ब्लड में। और ब्लड में जाकर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। टी लिम्फोसाइट पकड़ पकड़ के पैथोजन को किसको खिलाएंगे? एंटीबॉडीज को। समझ रहे हो? तो टी लिम्फोसाइट लिम्फ नोड्स के अंदर होते हैं। कहां पर? अरे इतना मत सोच, टी बी को इन्फॉर्म करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए बस। टी लिम्फोसाइट कहां पर? जो लिम्फ नोड्स होती है वहां पर। बी लिम्फोसाइट्स और क्या कहते हैं एंटीबॉडीज कहां पर? ब्लड के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेल मीडिएटेड, मीडिएटेड बाय द सेल एंड इट इज ह्यूमोरल, इट इज मीडिएटेड बाय द ब्लड एंटीबॉडीज। समझ में आ गया? यस सर। बोलो यार। यस सर। पक्का? यस। कोई दिक्कत? नो। वेरी गुड। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी CMI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। हमारी बॉडी में जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? ट्रांसप्लांट्स। दो चीज होती है, इम्प्लांट और ट्रांसप्लांट। कोई सर फर्क बता सकता है? इम्प्लांट और ट्रांसप्लांट। दोनों ही बॉडी के अंदर डालते हैं, बट एक चीज ट्रांसप्लांट होती है, एक चीज इम्प्लांट होती है। तेरा हार्ट, तेरे हार्ट में ट्रांसप्लांट कर देंगे फिर? तो एक बॉडी से एक ही बॉडी में क्या मतलब है? और इम्प्लांट में हवा से निकालते हैं? अच्छा, पूरा पूरा, और उसमें दिल का आधा टुकड़ा डालते हैं। डॉक्टर मेगा आप बताएं, डॉक्टर अमना, ट्रांसप्लांट क्या होता है? किसी ऑर्गन को प्लांट करना बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गन को, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, ब्लड ट्रांसप्लांट करना, ठीक है। लेकिन इम्प्लांट, हाँ एक मिनट, इम्प्लांट का मतलब क्या होता है? इम्प्लांट बॉडी में कोई नॉन लिविंग चीज को डालना, लिथियम बैटरी डालना हार्ट के अंदर, वो एक इम्प्लांट है। क्या है? इम्प्लांट है। दांत है, टूट गया, इसकी जगह क्या कहते हैं मेटल का, या फिर क्या कहते हैं एक्राइलिक टूथ इम्प्लांट करना बॉडी के अंदर, नकली चीज बॉडी के अंदर डालना, नकली बोन, नकली रॉड्स, उससे बोन्स को सपोर्ट करना, बैटरी डालना इस इम्प्लांट, ठीक है, किसी लिविंग चीज को डालना इस ट्रांसप्लांट। अच्छा यही बोल रहा था, आवाज नहीं आई मुझे तेरी, समझ में आ गया? तो इट इज बेसिकली फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या होता है, हार्ट डाल दिया, किडनी डाल दी किसी और पेशेंट की, लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बाहर से आने वाले ऑर्गन को एज अ एंटीजन डिटेक्ट करते हैं और फटाफट उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। दिस इज व्हाट? ग्राफ्ट रिजेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट, एंड टी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ में आ गया? yes. आया ना? वेरी गुड। हो गया।